मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा, ड्रीम होप बिलीव चैनल का नाम है, ड्रीम होप बिलीव। तो उन्होंने कुछ एक्सप्लेनिंग दिया है, तो मुझे अब पता चला कि सेकंड टारगेट इनको किया, मतलब दोनों, पहले इनको किया था टारगेट, बाद में जो है मुझे भी किया गया था। और तो मतलब मुझे नहीं पता था कि और एक कौन है, कॉपीराइट का कुछ इश्यू हुआ था इनका शायद, मुझे पता भी नहीं। क्योंकि क्या है, मैं क्योंकि कुछ दिनों से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं देखती ना, मतलब बोर हो गए ना, मतलब वही वही देख के बोर हो गए, इसलिए मैं नहीं देखती। तो मैं उनके भी वीडियो नहीं देख रही थी, इनके भी नहीं देख रही थी, दोनों के बीच में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। बट मुझे टारगेट क्यों किया गया वो तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने तो किसी को नहीं बोला कि मेरे वीडियो किसी ने कॉपीराइट किए। अब डाउट हो रहा है कि मेरे भी तो नहीं किए, मतलब मैं कोई डाउट में नहीं रहना चाहती। अब कॉपीराइट अगर मेरे कोई कर भी रहा है तो मैं उसको थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ कि मैं एक ट्विन फ्लेम वुड वैन फेमिनाइन हूँ। तो अच्छा है ट्विन फ्लेम्स की रियल बातें अगर आप फैला रहे हो, बट फैमिली के लिए बुरा कहा गया वो मुझे नहीं पसंद आया। और ये जो डिवाइन फेमिनाइन है उसके लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा कि ये भी 4 महीने से इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि बहुत डिस्टर्ब थी, और मैं भी पिछले 4 दिन से या 2 दिन से, कल से 2-3 दिन से बहुत डिस्टर्ब हूँ। जबकि मैंने, जिन्होंने भी ये अफवाह फैलाई थी, मैं उनके वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं देखती। सिर्फ साई बाबा की इमेज मुझे दिखी, इसीलिए मैंने वो वीडियो देखा। तो मैं चौंक गई एकदम, मतलब मैं लिटरली चौंक गई। और उसके बाद भी मैं देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें गलत गलत लेट देम बार्क वगैरह ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे। तो मैं बिल्कुल, मैं सोच रही थी ये मतलब डिस्टर्ब करने का प्लान है, क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव एनर्जीज किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करके हमें परेशान करते हैं, कभी आपके पड़ोसियों के रूप में। तो मैं कान को ईयरफोन लगाती हूँ ताकि मुझे पड़ोसियों की बड़बड़ भी ना सुनने को मिले, मेरे स्टेप मदर की बड़बड़ भी ना सुनने को मिले, और मैं अपनी दुनिया में मस्त रहने की कोशिश करती हूँ। तो कोई भी निगेटिव चीज़ मुझे मिलती है तो मैं उसको मतलब दूर हो जाती हूँ उससे, क्योंकि मुझे लाइफ में बहुत लोग डिस्टर्ब करने वाले मिल चुके हैं, और हज़ारों लोग हैं ऐसे मेरे पास, हज़ारों लोग हैं। तो मैं दूर रहती हूँ उस चीज़ों से। इसलिए एग्जैक्ट क्या हुआ, कितनी और भी गलत फहमियाँ फैलाई गई है वो मुझे नहीं पता, बट एक दो वीडियोस में मैंने देखा कि साफ साफ इंटेंशन दिख रहा है कि गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। और कल भी मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब मेरा सब्सक्राइबर जो है मेरे लिए गलत कमेंट करेगा, क्योंकि उसने सब्सक्राइब ही इसलिए किया है कि वो आपसे इम्प्रेस हुआ है, आपके विचारों से प्रभावित हुआ है। तो क्यों वो आपको दुखाने के लिए जो है ऐसे कमेंट करेगा। एक हाथ बार हो सकता है कॉमेडी करे। तो मैंने दो ट्विन्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज होती है बॉडी में वगैरह, वो एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने एक कमेंट आया था जोक, तो मैंने बहुत मज़ा आया, मुझे किसी ने जोक से कमेंट किया वहाँ पे, बहुत मज़ा आया। मैंने उसको थैंक्स बोला कि मैं बहुत हंसी तुम्हारे जोक से, थैंक्स फॉर कमेंट, ऐसा मैंने उसको रिप्लाई दिया। उसने भी फिर मुझे स्माइल दिया रिप्लाई में। तो ये चलता रहता है, इतना कैजुअल मजाक तो चलता है। बट कोई भी सब्सक्राइबर जो है, जिसको आपने सब्सक्राइब किया, जिसके चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके ऊपर गंदा कमेंट मार ही नहीं सकता, क्योंकि आप इम्प्रेस होने के बाद सब्सक्राइब करते हो। तो इसका मतलब है कल से जो निगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, शायद ये भी जो है प्लान है किसी का डिस्टर्ब करने के लिए, ताकि हम जो है हमारे वीडियोस बनाना छोड़े और इनका ही बखान शुरू करें। तो ये अच्छा हुआ कि मुझे पता चला कि उनके वीडियो में आज उन्होंने कुछ क्लैरिटी दी है। मैं उस सब्जेक्ट पे जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना चाहती हूँ। फिर भी ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी को इतना डायरेक्ट आप बदनाम कर रहे हो। तो जो भी है, बदनाम करो, जितना करना है उतना करो,
हम तो ध्यान भी नहीं देना चाहते। तो मैं सचमुच में ध्यान भी नहीं देना चाहती, फिर भी वो कमेंट करके मेरा ध्यान खींच रहे। देखो जो इतने बड़े लोग हैं, जिनके इतने बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको हम नहीं देखते, सोच रहे आप, जितने इतने लाखों सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हम नहीं देखते, फिर भी, क्योंकि हम हट के सोचते हैं। हमारी सोच जो है डायरेक्ट ऊपर से आती है, हम हट के सोचते हैं। तो ते हम सिंपल भी उतने ही हैं, फिर भी हमारे ईश्वर जो है हमें हट के सोचने की ताकत देते हैं। तो मैं उनके चैनल को देखती भी नहीं, और मैं खुद को इतना चिल्लर चवन्नी समझ रही थी, मेरे चैनल को वो देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। कितना, मतलब कितना इनसिक्योर है यार कोई। तो मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ, उस डीएफ ने जो है कुछ सबूत दिखाए हैं उनके ड्रीम होप बिलीव चैनल पे, आप जाकर देखो, वैशाली नाम है उनका शायद, आवाज़ बहुत मीठी है उनकी भी। तो मैं ज़्यादा तो नहीं जानती उनके बारे में, मैंने उनके वीडियो नहीं देखे कुछ ज़्यादा, और बट मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ था, क्योंकि यंग जनरेशन जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती है, यंग जनरेशन पढ़ती है, लिखती है, कॉलेज जाती है, उनका दिमाग बहुत चलता है। तो इसीलिए मैंने कुछ यंग लोगों के चैनल्स जो है सब्सक्राइब किए थे, और मैं सोचती थी कि कभी कोई नई इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो ऐसे बच्चे बहुत शेयर कर देते हैं, मतलब मैंने इसीलिए उनको सब्सक्राइब किया था। और यंग जनरेशन जो अवेकनिंग में चल रही है, वो बहुत अच्छे से इस पर काम कर सकती है, क्योंकि हमारे लाइफ में क्या हो जाता है कि हमारे लाइफ में स्ट्रेस बहुत हो जाता है, कि जितने जितनी एज बढ़ रही है स्ट्रेस भी उतना बढ़ रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं, तो मतलब लाइफ स्ट्रेसफुल रहता है। पहले कैसे रहता है, फादर पे डिपेंड रहते हो, आपको किसी भी चीज़ का कोई भी टेंशन नहीं रहता है, बट जैसे आप एक एज क्रॉस कर लेते हो, आपको समझ में आता है कि अब अपने पंख यूज करने हैं। तो ये तो जो भी है, मैं पर्सनल नहीं जाना चाहती, बट आप वो चैनल देखो कि उन्होंने क्या बोला है, ड्रीम होप बिलीव आज का उनका वीडियो देखो, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी उसके ऊपर डाला है, और सही कर देखो, कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने ना है खुद ही अपने आपको दुनिया के सामने ये ला रहे हैं। सच्चाई कभी भी छुपती नहीं, जैसे कि मैंने कितना भी आप उसको छुपाने की कोशिश करो, छुपती नहीं है। और ये सोच रहे हैं कि ये कोई हमारे ऊपर आवाज़ उठाए, इसके पहले उसको दबा देना है। तो मैंने तो कोई आवाज़ नहीं ली किसी के लिए निगेटिव, मतलब मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। गलती से मेरे वीडियो में कुछ हो तो मैं फिर से चेक करना चाहूँगी यार, क्योंकि मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। कोई अगर चैनल चला रहा है उनके, तो वो अच्छे से चलाएं, मैं नहीं डिस्टर्ब करूँ। उल्टा मैं जितना हो सके सारी डिवाइन फेमिनाइंस की तारीफ़ करती हूँ, उनके वीडियो देखने को। मैं एक ही ऐसी हूँ आई थिंक, मुझे लगता है जर्नलिस्ट की तरह मैं अपने चैनल पे काम करती हूँ। मैं अपना नहीं बताती, उन्होंने कितना अच्छा बताया, मतलब दूसरों की तारीफ़ करती हूँ। मुझसे पागल और कोई मिलेगा क्या, सच बताओ, मेरे जैसा पागल दूसरा कोई मिलेगा क्या। मैं यहाँ अपना छोड़ के, वो डिवाइन फेमिनाइन ने कितना अच्छा बोला, ये डिवाइन फेमिनाइन ने कितना अच्छा बोला, अमरांश राकेश शर्मा जी तो मेरे गुरु है यार, मैं सारे लोगों की तारीफ करती हूँ, फिर भी मेरे खानदान को बदनाम। तो मैं तो ट्विन फ्लेम्स की फैमिली तो होती ही डिसफंक्शनल है, जो भी है, मुझे लो वाइब्रेशनल कहा गया है, तो ये कहाँ के हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और बस प्रोफेशनल लग रहे हैं मुझे लोग, बाकी कुछ नहीं। और वो बेचारी, उसको वैशाली, उसको भी डिस्टर्ब किया हुआ दिख रहा है, वो भी बोल रही है कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और सच में मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और मुझे नहीं लगता कि ये डिस्टर्बेंस जो है विचारों की वजह से आया है, क्योंकि मेरे लाइफ में स्ट्रेस होने वाली बहुत चीज़ें आई है, तो मैंने उनको टैकल किया है। बट कोई वाइब्रेशन लेवल पर आपको जानबूझकर परेशान कर रहा है, निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, तो हो सकता है कि परेशान हो जाए इंसान। तो अब वो है या मेरे कोई पर्सनल दुश्मन है, वो तो राम जाने, बट मैं भी 2-3 दिन से बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो गई, और मेरे जो क्लाइंट आई थी कल, उसके ऊपर भी मैं चिढ़ गई। तो मैं, अगर वो सुन रही है वीडियो, तो मैं सॉरी बोलती हूँ उसको,
अब ये भी पॉइंट पकड़ के कोई ना कोई दूसरा कैच ना कर ले कि देखो देखो उसने उसके सब्सक्राइबर पे चिढ़ गई वो। मैं बहुत सचमुच मुझे और वैशाली को इतना डिस्टर्ब किया गया है, और हमारा कुछ दोष भी नहीं है, हमारे हमने तो मतलब अच्छा काम करने की कोशिश की, और हमारे साथ देखो ये हो रहा है। थैंक्स।